अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। रात हम लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, खूब आराम किया और अभी इस वक्त हम लोग जिद्दा में हैं। तो हमारा इरादा बन रहा है किंग फहद फाउंटेन जाने का, तो वहाँ जाके इफ्तार करेंगे। हम लोगों ने इफ्तार ऑर्डर कर लिया था। इफ्तार में हम लोगों ने मंगाया जी स्टूडेंट बिरयानी, हस्बैंड और बच्चों को हस्बैंड और बड़े दो बच्चों को। यू वांट सालन? ओके, इसको सालन खाना है। अमेजिंग। हस्बैंड और बड़े दो बच्चों को स्टूडेंट बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है, तो चलें फिर चलते हैं उधर और इफ्तार भी करते हैं। आज कुछ लोगों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। कुछ मेरी सब्सक्राइबर्स थी जो मुझे कह रही थी कि जिद्दा का आपने डिटेल में व्लॉग बनाना है कॉर्निश का, उनकी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है अगर तो हम टाइमली पहुँच गए और सब अच्छे से हो गया। तो जो लोग पहले सऊदी अरेबिया रहते थे ना, तो फिर जब वो व्लॉग देखते हैं तो वो सब चीज़ें रिकॉल होती हैं, अच्छा लगता है फिर देख के। जिद्दा में तो काफ़ी लोग रहते हैं जो पहले रहते थे, फिर पाकिस्तान शिफ्ट हो गए इस तरह। अपने सिटी में अगर हम लोग बीच पे जाते हैं तो मैं काफ़ी कुछ उठा के जाती हूँ, अरेंजमेंट्स करके जाती हूँ, लेकिन अभी चूंकि मैं खुद सफ़र में हूँ तो बस हम लोग ने सिर्फ बिरयानी पकड़ी है और अब देखते हैं कि रशी ना हो वहाँ पे, जगह मिलती है या नहीं मिलती है। सब लोग यहाँ पे अपने अपने इफ्तार लेके बैठ चुके हैं, ये देखिए। यही ना बैठ जाए? हाँ देखो यहीं पे कोई जगह ढूंढते हैं, बैठते हैं फिर यहाँ पे, ये ना हो कि फिर इधर भी जगह ना मिले। ये बहुत क्राउडेड एरिया है, बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे एज अ पिकनिक इफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। देखें ये देखो, ये रिट्ज़ क्वार्टर जहाँ हम आए थे उसने। इवन यहाँ कहीं जगह ले लेते हैं, मैं कहती हूँ कि हमें फिर कहीं अच्छी जगह ही नहीं मिलेगी। पार्किंग मिले तो अब यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलेगी। यहाँ तो मुश्किल है पार्किंग। ये है फाउंटेन, वो देखो पार्किंग नहीं। लेकिन हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही है, पार्किंग हमें मिल नहीं रही है और इफ्तार का टाइम भी नजदीक है। चलें देखते हैं। बेस्ट लोकेशन तो ये है, लेकिन अच्छा मुझे ज़्यादा क्राउडेड जगह भी नहीं अच्छी लगती, यहाँ पे रश बहुत है। फाइनली हमें जगह मिल गई है और अभी हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं। यहाँ पे लगाएंगे अपना मैट, सामने फाउंटेन है, बड़ा ही खूबसूरत व्यू है। अच्छा आज के व्लॉग में काफ़ी कुछ है, ये दो दिन का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ एक साथ शेयर कर रही हूँ। जिद्दा में हम लोगों ने दो दिन गुजारे थे, तो जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें शॉपिंग भी है, अल हरम सेंटर का विज़िट है जो मैं आप लोगों को करवाऊँगी, और इसके अलावा फ्यूचर शॉप का भी मैंने एक शॉर्ट सा विज़िट जो है वो ऐड किया हुआ है, और इसके अलावा बारबेक्यू टुनाइट पर हम लोगों ने बुफे किया था। अच्छा हर जगह की अपनी खूबसूरती है, यहाँ पर भी सनसेट व्यू था और साथ ही फाउंटेन व्यू भी था, कॉर्निश है बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन ये जगह थोड़ी क्राउडेड थी इसलिए उस तरीके से इफ्तार करने का मज़ा नहीं आया जिस तरीके से मैं अपने सिटी में जो है वो हम लोग इफ्तार व्लॉग बनाते हैं और वहाँ बैठ के इफ्तार करते हैं। वो बहुत पीसफुली वहाँ पे हो रहा होता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो खैर इसको भी हम लोगों ने पहली बार एक्सपीरियंस किया है, यहाँ बैठ के भी अच्छा लगा लेकिन बस सब जल्दी जल्दी हो रहा था और लोग भी बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से ऐसे फील हो रहा था कि सभी जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के बैठे हुए हैं। तो खैर एक जैसे रिलैक्सिंग सा माहौल होता है वैसा मुझे यहाँ पर फील नहीं हुआ है। अच्छा कुछ देर अगर आप वाटर वेव्स को देखते हो ना तो बहुत ही रिलैक्सिंग सा महसूस होता है, ऐसे लगता है कि जैसे आपका बहुत सारा जो है वो स्ट्रेस ड्रेन हो रहा है इसको देखते हुए। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे हमारा घर तो नहीं था ना कि सारी चीज़ें एक साथ हम उठा लाते। आपको पता है पाकिस्तान में इसी स्ट्रिंग से किसी की डेथ हुई है, ये इससे देखें। From your abaya. मेरे अबाया से नहीं है ये। Who died? Ah, it's easy to slice someone's neck. अच्छा अक्सर जब हम लोग स्टूडेंट बिरयानी से बिरयानी बाय करते हैं ना तो साथ में वो प्लेट्स और कप्स ज़रूर देता है, लेकिन इस बार ना उसने प्लेट्स दी ना ही उसने कप्स दिए। ये तो शुक्र है हम लोग कुछ प्लेट्स होटल में रखी हुई थी वो साथ ले आए थे और चम्मच भी रखे हुए थे वो भी उठा लिए, तो इसी तरीके से गुजारा हमारा चल गया था। अभी बस हम लोग यहाँ से पैकअप कर रहे हैं और निकलते हैं, आप कुछ शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं। मैंने इनके फ्रॉक्स नहीं लिए थे तो वो किसी मार्केट में चल के देखते हैं। हाँ लेट मी आस्क, जैद को बचपन से ही गाड़ियाँ पसंद है और अभी भी यहाँ पे जगह जगह गाड़ियाँ बड़े शौक से देखता है।
इंशाल्लाह मेरा बेटा भी लेगा ऐसी गाड़ी इंशाल्लाह। आ जाए, गाड़ियों को करीब से जा के देखता है, इसे कार लवर। अभी चल के डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट कहाँ जाना है। सोच रही हूँ अल हरम जाऊँ या फिर फ्यूचर शॉप, वहाँ पे फ्रॉक्स अच्छी मिल जाती हैं, फ्यूचर शॉप पे भी और अल हरम में भी। वैसे मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप अल हरम का व्लॉग बनाएं, वैसे तो ये बहुत पुरानी रिक्वेस्ट है। लेट्स सी, अभी हम लोग आ चुके हैं अल हरम सेंटर। यहाँ पे बच्चियों के फ्रॉक्स देखूंगी, आप लोगों को भी दिखाऊंगी, अगर मुझे यहाँ पसंद नहीं आए तो फिर मैं फ्यूचर शॉप पे जाऊंगी। तो वैसे मुझे यहाँ पे आना नहीं था, लेकिन बहुत पहले मुझे रिक्वेस्ट आई थी प्लीज़ आप जिद्दा जाती हैं तो अल हरम सेंटर का व्लॉग ज़रूर बनाएं। तो चलें फिर, मैं आपकी फरमाइश पे आ गई हूँ। I never see Pajeros actually, you know, Papa? ये है जी अल हरम सेंटर। असल में जो लोग उमरा करने आते हैं ना, तो वो फिर शॉपिंग के लिए इधर ही आते हैं अल हरम में, ज्यादातर उनकी शॉपिंग यहाँ से हो जाती है। काफी बड़ा ये सेंटर है, अंदर चलते हैं जरा। यहाँ से उठाते हैं ट्रॉली, मे भी कोई चीज पसंद आ जाए। खैर फिलहाल तो मैं अपना बैग रखूंगी, चले मेरा बेटा। इस तरफ तो सारा कैजुअल स्टफ लगा हुआ है, आगे फ्रॉक्स होंगी। ये 15 रियाल में यहाँ पे टी शर्ट्स लगी हुई है, देख लेते हैं। सेम, ये इस तरह फ्रॉक्स हैं, कुछ कॉटन की हैं, ये देखिए अच्छी है ना। यहाँ पे मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये एक फ्रॉक देखी है जो लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन वीडियो में उतना नहीं अच्छी आ रही है तो बिल्कुल भी। हाँ देखो, वो लुक सो बैड, लुक्स डल, उसमें कैमरे में नहीं अच्छी दिख रही। इसका फ्लेयर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो और भी हैं लेकिन मीरब को कुछ सॉफ्ट सी चाहिए थी। यहाँ पे ये देखें, ये कुछ ये इस तरह की कॉटन वाली फिर भी अच्छी हैं, जो थोड़ी सी फैंसी हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, वरना फैंसी फ्रॉक्स यहाँ पे अच्छी मुझे नज़र आ जाती थी, लेकिन अभी मुझे कुछ ख़ास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। मतलब देसी लुक आ रही है इन फ्रॉक्स से। ये देखें इस तरफ भी हैं फ्रॉक्स, ये भी हैं कुछ। उस तरफ जो है वो कुछ पजामा सूट्स हैं बच्चों के भी बच्चियों के भी। यहाँ पे आपको कैजुअल ड्रेसेस भी बच्चों के मिल जाते हैं और रेंज नॉर्मल होती है, तो ये मैंने एक उठाया हुआ। और इस तरफ ये सारे बॉयज़ के हैं, फैब्रिक इनका अच्छा है, फैब्रिक बुरा नहीं है। ये सब छोटे बच्चों के पजामा सूट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, टू पीस सेट्स भी हैं। इस तरफ कुछ बड़े बच्चों के, और सामने है होम सेक्शन। यहाँ पे ये कारपेट्स, रग्स, बेड शीट्स भी हैं आई थिंक। इसका ज़रा फैब्रिक चेक करती हूँ कि ये बेड शीट्स चाइना की हैं या फिर कहाँ की। मेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की हैं। वाओ, चेक करती हूँ फिर मैं यहाँ पे बेड शीट्स। ये वाली अच्छी दिख रही है, डबल शेडेड है ये, और ये है मेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब फैब्रिक अच्छा। और यहाँ पे ये ब्लैंकेट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, इनकी प्राइस ओके मैं चेक करती हूँ। ये है कुछ 27 रियाल के, ये तो बड़े नॉर्मल प्राइस पे हैं। वैसे अगर हम लोग रेड टैग या फिर मैक्स से लेते हैं वहाँ पे थोड़े से प्राइस ही होते हैं, यहाँ पे ये सस्ते हैं। यहाँ पे ये 27 रियाल का है सिंगल, डबल डेफिनेटली फिर डबल प्राइस में होगा। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है, लुक सॉफ्ट, इज इट सॉफ्ट। दोनों साइड्स
एक्सपेंसिव है, ये और भी हैं कलर, ये हैवी बहुत ज़्यादा है। Oh my god, this one's nice. ये है इसका किचन सेक्शन, यहाँ पे ये वाइट डिशेस बहुत अच्छी लग रही हैं। प्राइस भी देख लेते हैं। ये ओवन डिशेस हैं, इसमें आप बेकिंग वगैरह कर सकते हैं। लाइक ये है 44 की, नाइस डिशेस अच्छी हैं। ये देखें, हर साइज में रखी है, राउंड शेप में भी है, स्क्वायर में भी है। हैवी बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली बेकिंग के लिए फिर भी हैवी होती है। और यहाँ पे ये हॉट पॉट, कुकिंग पॉट्स भी। हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर लेडीज सेक्शन है, शूज़ बैग्स वो देखते हैं। आई थिंक मेन सेक्शन भी ऊपर ही है। ये उसना को अच्छा लग रहा है जी। अच्छा, लेडीज सेक्शन में यहाँ पे मुझे कुछ ट्राउज़र शर्ट्स बहुत अच्छे लगे, और फ़िलहाल तो ये मैंने ये कुछ नाइट ड्रेसेस उठाए हुए हैं जिसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था। और ये जो है वो 3-पीस सेट है, साथ में इनर है, ऊपर जैकेट है, नीचे ट्राउज़र है। तो आप इसको एज अ नाइटी भी यूज़ कर सकते हैं। इनर और ट्राउज़र जो है वो नाइट के लिए यूज़ किया जा सकता है, और जो जैकेट है वो डे में इस्तेमाल की जा सकती है। तो इस तरीके से ये 3-पीस सेट्स बने हुए थे घर में कैजुअल यूज़ करने के लिए। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वेराइटी है। से ये कुछ ट्राउज़र शर्ट्स लिए हैं, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। ग्रीन ये प्लेन शर्ट है, और ये इसका ट्राउज़र है, और ये कुछ मैंने नाइट ड्रेसेस लिए हैं। नाइट ड्रेसेस यहाँ पे बहुत अच्छे लगे हुए। बाकी ये है कि जो चीज़ मैं लेने आई थी वो इतना ख़ास नहीं है। यहाँ पे बच्चियों की फ़्रॉक्स इतनी प्यारी नहीं है, जबकि नाइट सूट्स बहुत प्यारे हैं यहाँ पर। ये लेडीज सेक्शन में कुछ मैक्सीज हैं, क्योंकि इतनी खास नहीं है। यहाँ पे शूज़ ही शूज़ हैं, कंफर्टेबल भी हैं, हील्स भी हैं। ये यहाँ पे कुछ पंप्स वगैरह रखे हैं। ये प्राइस चेक करते हैं, क्या प्राइस है इसकी? 61 रियाल। इस तरफ ये बैग्स हैं, और ये फैंसी शूज़ हैं स्टोन्स के साथ, और ये कुछ गोल्डन में, ये 61 रियाल के हैं। और ये फ्लैट्स 65 की सीरीज चल रही है क्या? ये हील्स में रखी हुई हैं, और इस तरफ बैग्स ही बैग्स हैं। ज़्यादातर मुझे रेड कलर के बैग्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपको माइकल कोर्स के बैग भी मिलेंगे। ये देखिए माइकल कोर्स बैग, नहीं ये MX है कोई। माइकल कोर्स MK नहीं है, MX है, MX। ये आप देखते चलें मेरे साथ, हर तरह का बैग यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ब्लैक, ये अच्छा दिख रहा है ब्लैक में। ये 38 रियाल का है, 38 ठीक है प्राइस, क्वालिटी अच्छी थी उसकी। वॉलेट देख लेते हैं कोई, ये देखें छोटे छोटे पाउचेस। और उधर ये कुछ 35 रियाल के भी बैग्स लगे हुए। यहाँ पे ये फैंसी हैं, कितने का है ये? 66 का है। इफाना अपने जूतों की दुकान लगा ली, देखो फिर ऐसी 5 मिनट में आया हूँ मैं। 5 मिनट में? अच्छा, मैं 5 मिनट में शॉपिंग हो गई। अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, और अब इरफान गुम हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। दिखाओ, अभी हम यहाँ पे बीच मैट ले रहे हैं, तो इन दोनों में से ज़रा थोड़ा मुश्किल हो रहा है डिसाइड करना कि कौन सा लें। और अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि इन दोनों मैट में से कौन सा मैट ज़्यादा प्यारा है, और बाकी मैं आप लोगों को दिखा दूंगी कि मैंने कौन सा बाय किया है। और अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ फ्यूचर शॉप, और ये जो शॉप है ना, यहाँ पे इतनी खूबसूरत बच्चियों की फ़्रॉक्स थी। अनफॉर्चुनेटली मेरी उस वक्त फ़ोन की जो बैटरी है वो डाउन हो चुकी थी, तो मैं व्लॉग यहाँ का नहीं बना सकी हूँ। बस ये एक दो छोटे से मैंने क्लिप्स लिए थे, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं यहाँ का व्लॉग नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं
आप लोगों को नहीं दिखा सकी हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैरायटी थी, हो सकता है ईद की वजह से बहुत ज़्यादा हो, लेकिन एक बार मैंने पहले भी इस शॉप को विज़िट किया था तब भी मुझे यहाँ पे फ्रॉक्स बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि यहाँ से आप अपने बच्चों के फ़्रॉक्स ले लीजिएगा, बहुत प्यारे फ़्रॉक्स यहाँ पर नज़र आए हैं मुझे। मैंने भी यहाँ से हुरब मिरब की एक एक फ़्रॉक ली है और हर तरह का कलर यहाँ पर मौजूद था। मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था और इसके अलावा मुझे मीरब ने मना किया था कि आपने मेरी हैवी वाली फ़्रॉक नहीं लेनी है, लेकिन ईद पे इस तरह की फ़्रॉक्स अच्छी लगती हैं, घर आके मैंने उसे मना लिया था तो उसने कहा ठीक है मामा आई विल वेयर इट। तो ये है नेक्स्ट डे और अभी हम लोग आ चुके हैं बारबेक्यू टुनाइट पे। यहाँ पे हमें इफ्तार बुफे करना था। असली ये दिखाएं तो नहीं आपने फिर कैप क्यों पहनी? आप तो वैसे तो इसको वो करना चाह रहे हो, हाइड करना चाह रहे हो। हाइड पार्क वो क्या होता है। और जी इफ्तार में थे दही बड़े और सैलेड्स थे, ट्राइफल था और इसके अलावा समोसे, पकोड़े, चना चाट और इसके अलावा फ्रूट चाट थी और उम्मे अली थी। यहाँ पे इफ्तार हम लोगों ने ले लिया, खाना बाद में लेंगे, लेकिन लोग जो है वो साथ साथ खाना भी उठा रहे होते हैं एकदम से, लेकिन इतना कैसे आप खा सकते हैं, ठंडा भी हो जाता है। नहीं नहीं इसलिए ये नहीं खाओ, थोड़ा थोड़ा खाना ही है। और जी खाने में था कढ़ी चावल, बिरयानी थी, बीफ पुलाव था और इनका ये जो बारबेक्यू होता है जिसमें सीख कबाब और चिकन बोटी और इसके अलावा यहाँ का फ़िश टिक्का बहुत मज़े का होता है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी जब आप यहाँ पे आएँ तो इसका फ़िश टिक्का ज़रूर ट्राई करें, हमें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम कुछ और इनका बारबेक्यू ट्राई करें ना करें, फ़िश टिक्का ज़रूर जो है वो खाते हैं। और इनकी बिरयानी इस बार अच्छी नहीं थी और सालन में भी ज़्यादा इनकी कोई वेराइटी नहीं होती है। चिकन कढ़ाई थी, हलीम था और इसके अलावा कुछ आलू की सब्ज़ी और खट्टे बैंगन, पता नहीं बैंगन बहुत ज़्यादा रखे होते हैं यहाँ पे। आपने नहीं पीनी थी ना चाय? चाय नहीं, मैं ग्रीन टी पी। हाँ चलो ठीक है। मेरे देखें डॉल ने ड्रेस पहनी हुई है, देखें देखें मेरे अंदर भी एक डॉल रखी हुई है। ये क्या किया? ये अच्छा काम किया आपने। चलें बस अभी हम जा रहे हैं घर वापस और व्लॉग को भी इधर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।